नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं आईपीएल और क्रिकेट की दुनिया के 10 बड़े अपडेट्स, जो यदि आप क्रिकेट के फैन हैं तो आपको जानना जरूरी है। पूरा का पूरा इंटरनेट खंगाल कर अपडेट्स आपके सामने रख रहा हूं। आपको कुछ करना नहीं, बस आराम से पूरा वीडियो अंत तक देखना। और यदि आप हमारे चैनल के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि यह हमारे आईपीएल अपडेट सीरीज का 77वां वीडियो है। ऐसे ही वीडियोज में रोज लाता हूं। और यदि आप हमारे इस चैनल का हिस्सा नहीं है तो बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब करके बन जाए, और आपको मेरी मेहनत पसंद है तो एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। चलिए देखते हैं अपना पहला अपडेट। दोस्तों, आईपीएल 2021 ऑक्शन को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है, क्योंकि अगली आईपीएल के लिए टाइम कम बचा है, इसलिए अभी तक यह डिसाइड नहीं हुआ है कि इस बार फुल प्लेयर ऑक्शन होगा या फिर टीम को उन्हीं खिलाड़ियों के साथ अगले सीजन में खेलना पड़ेगा। हालांकि बीसीसीआई ने कहा है कि इस पर 2 से 3 सप्ताह के अंदर फैसला ले लिया जाएगा कि ऑक्शन होगा या नहीं। और सूत्रों की माने तो इस बार का ऑक्शन आपको दिसंबर के अंत में या तो जनवरी के पहले सप्ताह में देखने को मिल सकता है। चलिए देखते हैं अपना दूसरा अपडेट। दोस्तों, आईपीएल 2020 खत्म हो चुका है और कोरोना काल में आईपीएल ही एकमात्र जरिया था एंटरटेनमेंट का। और आईपीएल के खत्म होने के बाद फैंस ने अपना निराशा सोशल मीडिया पर दिखाया और वह दुआ कर रहे हैं कि काश आईपीएल कुछ दिन और चलता। उसमें से एक एग्जांपल आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं कि कैसे कैसे फोटो डाले गए हैं आईपीएल के खत्म होने के बाद आईपीएल के फैंस के द्वारा। चलिए देखते हैं अपना तीसरा अपडेट। दोस्तों, कोहली को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि पिछली बार जब बेंगलोर और दिल्ली की टीम एक दूसरे से भिड़ी थी, जिसमें दिल्ली 6 विकेट से जीत गए थे, उसमें विराट कोहली का बहस हो गया था रिकी पॉइंटिंग से, जिसकी जानकारी रविचंद्रन अश्विन ने दी अपने यूट्यूब चैनल के जरिए। असल में स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के वक्त विराट कोहली और उनकी टीम नहीं चाहते थे कि रविचंद्रन अश्विन मैदान से जाए, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन के हाथ में दर्द आ गया था। ऐसे में जब विराट कोहली की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स की टीम को इसके बारे में कहा, तब रिकी पॉइंटिंग गुस्सा हो गए और दोनों के बीच बहस हो गया। हालांकि यह बड़ा विवाद नहीं बना। इसके साथ ही आपको बता दें कि सूर्यकुमार यादव ने अपना विकेट कुर्बान कर दिया था रोहित शर्मा की वजह से। इसके बारे में उन्होंने कहा कि वह किसी भी दिन रोहित शर्मा के लिए अपना विकेट कुर्बान कर सकते हैं, इसका कोई उन्हें अफसोस नहीं है। दोस्तों, अगर आप क्रिकेट और स्पोर्ट्स से पैसा कमाना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेबसाइट के बारे में, जिसका नाम है 1tobet.com। यह वेबसाइट 12 साल से रेप्यूटेड और विश्वसनीय वेबसाइट है। आप यहां पर अपना फेवरेट गेम क्रिकेट एक्सचेंज और स्पोर्ट्स बुक में खेल सकते हैं। इसमें आप 3 पत्ती अंदर बाहर लाइव कैसीनो में खेल सकते हैं। पैसा डिपॉजिट और विड्रॉल करना फ्री और आसान है। आपको हर तरह के UPI ऑप्शन मिल जाएंगे। दिक्कत होने पर आप किसी भी भाषा में कस्टमर सपोर्ट आपको मिलता है। आप कमेंट में दिए गए लिंक से इस वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें आपको 100% वेलकम बोनस मिलेगा। यहां पर डेली और वीकली अनलिमिटेड कैश मिलता है, स्पेशल बोनस भी मिल जाएगा आपको, लकी ड्रॉ और बहुत कुछ। लिंक कमेंट में दिया है, आप वहां से रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना चौथा अपडेट। दोस्तों, हमने आपको कल ही बताया था कि अगले साल आईपीएल में हो सकता है कि एक और टीम को जगह मिले, मतलब कि आईपीएल में 8 की जगह 9 टीम खेल सकते हैं। इस पर खबर आ रही है कि बीसीसीआई ने प्लान किया है कि नई टीम का टेंडर दिवाली के बाद निकाला जाएगा। आपको ये भी बता दें कि बीसीसीआई 2 टीम को जोड़ना चाहती है आईपीएल में, पर उसे वह एक साथ नहीं करना चाहते हैं। बीसीसीआई चाहते हैं कि एक टीम 2021 के आईपीएल में आए और अगली टीम 2022 के आईपीएल में आए। इस पर और भी जानकारी बीसीसीआई 72 घंटों के अंदर लेगा। इसकी जानकारी आपको हम अपने कल आने वाले वीडियो में बताएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक और टीम आईपीएल का हिस्सा बनेगा तो इस साल होने वाला मेगा ऑक्शन को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि नई टीम आएगी तो मेगा ऑक्शन तो होना ही है। चलिए देखते हैं अपना पांचवां अपडेट। दोस्तों, आईपीएल का 9वां टीम को लेकर सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। ऐसे में मुंबई और दिल्ली के फाइनल के दौरान साउथ इंडिया के सुपरस्टार मोहनलाल को स्टेडियम में देखा गया, और अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि 9वां टीम साउथ इंडिया एक्टर मोहनलाल खरीदें। हालांकि अभी इस पर कुछ साफ नहीं है, पर उनके स्टेडियम में अचानक से आने और T20 क्रिकेट में इंटरेस्ट दिखाने की वजह से ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं अपना छठा अपडेट। दोस्तों, गौतम गंभीर ने सूर्यकुमार यादव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 13 सालों में कोलकाता नाइट राइडर्स की सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा नुकसान सूर्यकुमार यादव ही है। 2018 में सूर्यकुमार यादव ने मुंबई इंडियंस को ज्वाइन किया था और उसके पहले वह कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते थे। उस समय कोलकाता नाइट राइडर्स से उनका फिनिशर का रोल रहता था, और 2018 में उनका किस्मत बदला जब वह मुंबई इंडियंस में शामिल हो गए, और उसी साल उन्होंने 512 रन भी बनाए थे। गौतम गंभीर ने यह भी कहा है कि कोलकाता नाइट राइडर्स उनको सही बैटिंग पोजीशन नहीं दे पाए, जिसकी वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स से उन्होंने अपना कोई नाम नहीं किया था। यही कुछ बड़ी गलतियां हैं जो कोलकाता नाइट राइडर्स हर साल करते हैं, और वह यह फैसला नहीं कर पाते कि किस खिलाड़ी को किस पोजीशन को उतारना है, जिसकी वजह से आईपीएल का ट्रॉफी उन्हें नहीं मिल पाता। चलिए देखते हैं अपना सातवां अपडेट। दोस्तों, इस बार का आईपीएल हिट रहा और डिज्नी इंडिया ने 2500 करोड़ का एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू कमाया इस साल के आईपीएल से। वहीं आईपीएल 2019 में उन्होंने 2200 करोड़ रुपए कमाए थे, मतलब 300 करोड़ का प्रॉफिट हुआ इस बार। आईपीएल 2020 में 18 स्पॉन्सर थे और 117 एडवर्टाइजर्स थे। वहीं दर्शकों के मामले में 25% ज्यादा दर्शकों ने इस साल का आईपीएल देखा। इसके साथ ही टाइटल स्पॉन्सर ड्रीम इलेवन ने कहा है कि आईपीएल के सारे मैच मिनिमम 5.3 मिलियन यूजर्स ने देखा है, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस नंबर से कम दर्शक आईपीएल देखा करते थे। चलिए देखते हैं अपना आठवां अपडेट। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज के पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने यह घोषणा किया कि जो डे और नाइट टेस्ट मैच होगा एडिलेड ओवल में, उसमें 50% दर्शक बैठकर खेल का मजा ले सकते हैं। यह मैच 17 दिसंबर को शुरू होगा। वहीं दूसरे तीसरे में भी 50% ऑडियंस रहेंगे, पर चौथे मैच में जो ब्रिस्बेन में होगा उसमें 75% फैंस स्टेडियम में रह सकते हैं। ऐसे में क्रिकेट थोड़ा सा और मजेदार होगा, क्योंकि ज्यादातर मैच खाली स्टेडियम में खेले जा रहे हैं, जिसकी वजह से बड़े खिलाड़ियों को काफी दिक्कत झेलना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें आदत है फैंस और भीड़ के सामने क्रिकेट खेलना, जो उनके परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। चलिए देखते हैं अपना नौवां अपडेट।
दोस्तों पाकिस्तान के T20 कप्तान बाबर आजम को टेस्ट कैप्टन बना दिया गया है। इसके पहले अजहर अली टेस्ट कैप्टन थे पाकिस्तान के। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का टेस्ट सीरीज होने वाला है 26 से 7 जनवरी तक, और उसमें बाबर आजम कप्तानी करेंगे। इसको लेकर बाबर आजम ने कहा है कि वह ज्यादा जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं और वह एक अच्छा कप्तान बनकर दिखाएंगे। वहीं अनुष्का शर्मा ने परसों एक फोटो डाला था इंस्टाग्राम पर जिसमें विराट कोहली खुद अपना जूता साफ कर रहे थे। चलिए देखते हैं अपना 10वां अपडेट। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैच होंगे, जिसमें से पहला टेस्ट मैच में कप्तानी करने के बाद विराट कोहली वापस इंडिया आ जाएंगे क्योंकि उनका बच्चा होने वाला है। जिसके बाद माइकल वोगन ने कहा है कि यदि विराट कोहली टेस्ट सीरीज में मौजूद नहीं रहेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इंडिया को हराना, और यह कन्फर्म उसे कहा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया ही इस सीरीज को जीतेंगे। और एक बहुत बड़ी हैरानी की बात है कि विराट कोहली की नाम मौजूदगी में अजिंक्य रहाणे टीम के कैप्टन बनेंगे, ना कि रोहित शर्मा। इस पर इरफान पठान ने कहा है कि विराट कोहली की नाम मौजूदगी पर रोहित शर्मा को कप्तानी करना चाहिए। दोस्तों यहाँ थे हमारे आज के क्रिकेट और आईपीएल की अपडेट्स। ऐसे वीडियोज हर दिन आएंगे, इसलिए हमारे साथ हमेशा बने रहें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।